मेरे पिताजी आर्य समाज को मानते हैं, माँ जब तक थी वही मानती थी, तो वो रोज़ घर में यज्ञ हवन होता है। मुझे बचपन से ही बहुत आस्था नहीं है, बाद में तो और कम हो गई। तो फिर एक समय तक वो कोशिश करते रहे कि मैं रोज़ बैठूँ उनके साथ, धीरे धीरे कोशिश करनी बंद कर दी। अब वो कोशिश भी नहीं करते, मैं बैठता भी नहीं हूँ। मेरी पत्नी सनातनी परंपरा से है, तो उन्होंने अपने घर में, मतलब हमारे घर में एक मंदिर बना रखा है, और उस मंदिर में सभी देवी देवता हैं। हाँ मैंने देखे। आप तो देख चुके हैं ना, तो बल्कि पिछली बार तो उनका धार्मिक भाव और आगे बढ़ा। गणेश चतुर्थी के समय गणेश जी को घर में स्थापित किया गया और कई दिन पूजा पाठ हुई, फिर विसर्जन हुआ। मैं इन सारी चीज़ों में एक मूक सहयोगी के रूप में साथ रहता हूँ। मैं अपने घर के मंदिर में कभी अपमान नहीं करता हूँ भूल के भी। तो मैं जाऊँ तो चप्पल हटा के जाऊँगा, किसी और की भी रखी हुई तो हटा दूंगा, उतना ध्यान रखता हूँ। हवन भी अगर हो, जैसे जन्मदिन पे होता है, एनिवर्सरी पे होता है, तो उसमें बैठता हूँ, शालीनता से बैठता हूँ। मुझे बहुत आस्था नहीं है, अनास्था भी नहीं। मैं मानता हूँ कि धर्म समाज के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है। अभी हमारा समाज धर्म के बिना चलने की स्थिति में नहीं है। ईश्वर है या नहीं ये कोई नहीं जानता, मैं भी नहीं जानता, और मेरे नहीं जानने से तय नहीं होता कि ईश्वर नहीं है। इससे नास्तिकता उतनी बड़ी मूर्खता है जितना ये दावा कि मैं ईश्वर को जानता हूँ। तो डाइसी हूँ इस मामले में, मैं मतलब कन्फ्यूज़न में रहता हूँ। लेकिन दो लोगों ने ना, एक जो पास्कल लैंग्वेज आप पढ़ते कंप्यूटर में, ब्लेस पास्कल मैथमेटिशियन थे उन्होंने, और विलियम जेम्स 20th सेंचुरी के बड़े अच्छे दार्शनिक हुए, इन दोनों ने इस प्रश्न का बड़ा अच्छा जवाब दिया कि जब ये तय है नहीं कि ईश्वर है या नहीं, तो ज़्यादा ठीक क्या है। आर्गुमेंट्स अलग अलग हैं, लेकिन दोनों का निष्कर्ष ये है कि मान लेना ज़्यादा फायदे में है। तो मैं तो उस बिंदु पे हूँ जहाँ मेरे चाहने से मैं मान नहीं पाऊँगा, लेकिन मुझे लगता है कि जो लोग ईश्वर को मानते हैं, सांप्रदायिक नहीं है, कर्मकांडी ज़्यादा नहीं है, कट्टर नहीं है, पर विश्वास रखते हैं, वो ज़्यादा फायदे में है।